अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कहना है कि इंसानी हकूक की संगीन पामाली इस वक्त सुबह सिंध में जारी है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके पर अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने बयान देते हुए कहा है कि सिंध पर हुक्मरान जमात के सरबरा कौमी असेंबली में इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन है। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक जमात साबित हो चुकी है। उनकी सरपरस्ती में सिंध के अंदर सहाफियों, सियासी मुखालिफों और हुकूमत मुखालिफ शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। हलीम आदिल शेख का कहना था कि सूबे में पुलिस की मदद से रियासत कायम करके बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार और जमीनों घरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।